स्वागत है थोड़ा सारयां दा अपने यूट्यूब चैनल ते। मेरे वल्लों सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। जिवें कि तुहानूं पता है कि आपां अपने चैनल ते जिहड़े पंजाबी दा क्वालीफाइंग पेपर है, चाहे वह किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दे लई आ पंजाब दे विच देना जरूरी है, उहदी प्रैपरेशन स्टार्ट कीती हुई है। हले अपने दो ही लैक्चर लगे नेगे। पहले लैक्चर दे विच आपां व्याकरण दा सिंपल भाषा ते पंजाबी भाषा वाला टॉपिक कवर किया सी। तो सैकेंड लैक्चर के आप व्याकरण व्याकरण के भाग लगावं लगा मात्रावं तो उस दे नाल वाक बोध वर्ण बोध तो शब्द बोध बारे थोड़ा थोड़ा पढ़िया सी। तो बाकी आप वर्ण बोध नूं काफ़ी डिटेल विच कवर कर लिया सी कि किन्नियां लगावं नाल किन्नियां लगा मात्रा ने किहड़ी लगा किहड़े उहदे नाल वर्ण नाल लग सकती है किहड़ी नहीं लग सकती किहड़े मुखते रूप विच आउंदी है वो सारिया डिटेल्स पढ़न दे लई तुसी पिछली वीडियोस देख सकते होंगे। उन्हां दा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे विच पा दिता है, तुसी उत्थों जाके चैक कर सकते हो। अज आपां शब्द बोध शुरू करन जा रहे होंगे। काफ़ी छोटा जिहा टॉपिक हैगा। तो उस तो पहला मैं गुजारिश करदी हाँ जिन्होंने चैनल नूं हले तक सबसक्राइब नहीं किया कृपा करके चैनल नूं सबसक्राइब करो तो बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करो ताकि हर आने वाली अपडेट तुहाडे तक समय टू समय सिर पहुँचती रहे। शब्द शब्द की हुंदा है? शब्द भाषा की छोटी तो छोटी सुतंत्र ते सार्थक इकाई है जो वर्णा लगा ते लगा अक्षरां दे सही जोड़ मेल तो बनती है। जिवें आपां पहला वर्ण पढ़िया सी, वर्ण की सी? एक अक्षर सी जिवें ऐड़ा। जदों दो वर्ण मिल जांदे ने ऐड़ा खखा, उत्ते कोई लगा लग गई, अधक लग गई, लगा अक्षर लग गया अख, तां उह की बन गया? एक शब्द बन गया। शब्द की है? सब छोटी तो सुतंत्र तो सार्थक इकाई है। सार्थक इकाई मतलब जिदा कोई अर्थ निकलता है, जिमें सरबत, पंजाब, स्कूल आदि ये वक् वक् वर्णा तो मिलकर बनते हैं, जिन्हों लगा अक्षर भी लगते है तो लगा भी लगते है। यदि परिभाषा की है? शब्द वर्ण लगा लगा अक्षर के समूह कहा जाता है जो सार्थक हो। सिंपल सीधी डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जा सकती हैगी आपां। उस तो बाद थले इन्होंने वक् वक् एग्जाम्पल दित्तियां हुई नेगिया। उस तो बाद आ गया शब्द दिया किस्मा। शब्द दिया काफ़ी किस्म होंदियां। पहली आ गया वरतों के आधार पर, इहदे विच दो आ जांदे आ कोशगत शब्द ते व्याकरणक शब्द। कोशगत शब्द किहड़े आ गए? इह उहनां शब्दां तों है जिन्हां दी मुढ़ली इकाई वजों कोश विच दर्ज कर लिया जांदा है। जिवें कुर्सी, कुर्सी एक कोशगत शब्द है जिसका अर्थ है एक वस्तु जिस तों बैठण दा काम लिया जांदा है। तो जेकर आपां व्याकरणक शब्द की गल करिए जिहदे विच वक्रे वक्रे शब्द रूप आ जांदे ने, जिवें कुर्सी की है? एक वस्तुवाचक नाम भी है, एक वचन भी है, स्त्रीलिंग भी आ जाती है। उहदे विच सिर्फ एक उहनूं कोश्च दर्ज कर लिता जांदा कि हाँ उहदा काम की है। व्याकरण दे विच उहदे सारे भाग देखे जांदे ने भी नाव किहड़ा है, पड़नाव किहड़ा है, लिंग किहड़ा है, वचन किहड़ा है। उस तो बाद दूजा आ गया अर्थ की दृष्टि तो। अर्थ की दृष्टि तो शब्द दो तरह के होंगे ने, सार्थक शब्द ते निरार्थक शब्द। जिमें नाम तो ही क्लीयर है, सार्थक शब्द जिन्हों का कोई एक निश्चित भाव हो, मतलब जिन्हों का एक प्रॉपर अर्थ निकल के आता होरपूर शब्द, जिमें गड्डी, कुर्सी, फुल, कां, चिड़ी, इन्हों का जो मतलब आप उचारते हैं तो इन्हों अर्थ का अपन बोध हो जाता है, आप पता लग जाता कि किस चीज़ वाल संकेत कर रहे हैं, वो किड़े शब्द होंगे सार्थक शब्द होंगे ने। नैक्सट आ गया निरार्थक शब्द। निरार्थक शब्द वो आते हैं जिन्हों का अपन कोई विशेष अर्थ ना प्राप्त हो, जिमें आप बोल दें रोटी राटी खा ली, होर पानी पूनी पी लिया, चाह चू, इन रोटी पानी चाह ये सार्थक शब्द ने। जबकि जोड़े नाल लाए गए ने राणी, राटी, धाणी, चू, ये की ने सारे ये निरार्थक शब्द ने गे। ये कल्ले कदे नहीं उचारे जाते, ये सार्थक शब्दों के नाल ही आते हैं, मतलब इन्हों की होंद सार्थक शब्दों ही होंगी हैगी, कल्ले कदे भी नहीं उचारे जाते। तो जे आप इन्हों कल्या देखा तो इन्हों का कोई अर्थ नहीं हुंदा, तां करके इन्हों निरार्थक शब्द भी किया जाता है। उस तो बाद आ गए बणतर के आधार पर। बणतर के आधार पर भी शब्द दो तरह के आ, मूल शब्द तो रचित शब्द। मूल शब्द को होर किहड़े शब्द किया जाता है? रूढ़ शब्द, वो शब्द जिन्हों अगे होर हिस्सों वंडिया ना जा सके। अजिहे शब्द परंपरा तो ही किसी विशेष अर्थों में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंदे हन, इन्हों मूल शब्द कहते हैं, मतलब जिहड़े मूल शब्द आ गए जिन्हों तो बन मिल के कोई अगे कोई सेंटेंस बनता है, कोई वो बनता है ना, जिमें नमक, नमक है ना, ये किसी तरीके नाल भी बन सकता है, नम प्लस क, न प्लस म क, है ना, ये मूल शब्द आ गए। रचित शब्द किहड़े आ गए? जदों दो जां दो तो वध शब्द
आपस मिल जाते हैं, रचे जाते हैं, मूल शब्दों तो ही रचित शब्द बनते हैं। गे रेल गड्डी, रेल एक अड मूल शब्द है, गड्डी एक अड मूल शब्द है, रेल गड्डी एक रचित शब्द बन गया। गुरमुख क पुत्र, तो ये जोड़े रचित शब्द हैं उन्होंने योगिक शब्द भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मूल शब्द को रूट शब्द कहा जाता है, यदि कोई एग्जाम्पल याद कर लो। रचित शब्द को योगिक शब्द भी कहा जाता है। तो रचित शब्द अगे दो भागों वंडे जाते हैं, समासी शब्द तो उत्पन्न शब्द। समासी शब्द आ गए दो या दो तो वध मूल शब्द जोड़न वाले, जिमें कदे भी यू हमेशा आप हाइफन नाल जोड़ देंगे, उस समासी शब्द होंगे। इन्हों की सिंपल जी ट्रिक है, चंगा माड़ा, घर बार, दिन रात, सुख दुख, ये सारे कि ने समासी शब्द ने। उत्पन्न शब्द केड़े आ गए, वह शब्द जो मूल शब्दों के अगे या पिछे जोड़ बनाए जा, जिमें अगेत्र पछेत्र, उपराष्ट्रपति, अविकारी, सपुत्र, ठीक है। ये कि ने यह उत्पन्न शब्द, उत्पत्त शब्द ने, उत्पन्न शब्द ने। उस तो बाद तत्सम शब्द तो तद्भव शब्द भी आ जाते हैं, ये उत्पत्ति की दृष्टि तो या शब्द वंड तो आ जाते हैं। तत्सम शब्द केड़े आ गए, वह शब्द जो दूजिया भाषावान तो ज्यों दे त्यों ही पंजाबी विच शामिल कर ले गए, जिमें संस्कृत तो आप ज्ञान लिया, यात्रा, अंग्रेजी तो स्कूल, साइकल, देखा भी इंग्लिश के वर्ड ने, रेल है ना, कापी, अरबी फारसी तो बादशाह, वकील, तीर, ये सारे तत्सम शब्द ने। हिंदी तो कवि, पति, पुत्र, ये अपन पता भी नहीं भी आप पंजाबी यूज़ कर रहे हैं, पर ले कितों गए ने, अलग अलग भाषावान तो ले गए हैं। तद्भव शब्द की ने, जिन्हों का आप थोड़ा जा रूप बदल दिता है, जिमें संस्कृत के पंच हुंदा है आपी चू पंच बनाता, अंग्रेजी के लॉर्ड हुंदा है आपू लाट बनाता, हिंदी पुत्र हुंदा है आपू पुत्र बनाता, ठीक है। जिन्हों का आप मतलब थोड़ा जा रूप बदलता वह तत्भव शब्द आ गए। देसी शब्द केड़े आ गए, अपने देश के लोग जीवन बोल चाल दे शब्द जो मूल अपनी संस्कृति दे ही होन, जिहड़े सिर्फ आपां नूं पता, जिवें इट, खुरपा, कद्दू, मंजी, है ना, इस अपने संदा खाण पीण वाली चीज़ों नाल संबंधित नहीं, अपने देसी शब्द ने जिन्हां दी नॉलेज सिर्फ आपां नूं ही है। उस तो बाद आ गया रूप दे आधार ते शब्द। रूप दे आधार ते भी दो शब्द ने, विकारी शब्द ते अविकारी शब्द। इन्हां नूं सिंपल बेटा तुसीं आ मैं लिखा होया गा, इन्हां नूं याद करन दा इक्को ही तरीका। विकारी शब्द दे विच आ जांदे ने नाव, पड़नाव, विशेषण ते क्रिया, जिन्हां च जदों आपां किते ना किते इन्हां नूं यूज़ करदे हां आपदा रूप बदल लैंदे ने, ठीक है। नाव, पड़नाव, विशेषण ते क्रिया। अविकारी शब्द आ गए, जिन्हां च किसे किस्म की कोई तब्दीली नहीं आउंदी, किते मर्जी उन्हां नूं आपां ला लईए, जिवें ने, नूं, की, इह च क्रिया विशेषण, योजक, संबंधक ते विस्मक, इह आ जांदे ने। आने वाली वीडियो आपां नाव, पड़नाव, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, योजक, संबंधक, विस्मक, ये सारी डिटेल्स करांगे। पेपर दे विच इन्हां चों क्वेश्चन की बन सकदा है, तुहानूं डेफिनेशन पुछ सकदे ने, इन्हां दीआं किन्नीआं टाइप्स पुछ सकदे ने, कोई एग्जाम्पल दे के पुछ सकदे ने कि ये किहड़ा विशेषण है जां ये किहड़ा नाव है, है ना। तां मतलब इन्हां दी सारिआं दी नॉलेज होणी आपां नूं जरूरी है, इन्हां दा आपां इक वारी सारिआं दा इक वीडियो दे विच ही ओवरव्यू लै लांगे, ठीक है। उस तों बाद शब्द रचना आ जाती हैगी। शब्द की परिभाषा आपां नूं पता ही है, शब्द भाषा की कुस्तंत्र इकाई है, यह अक्षरां ते लगा अक्षरां दे जोड़ तो बनता है। आपां पढ़ लिया सारा बेटा, जिस आपां मूल शब्द ते रचित शब्द पढ़े ने, ठीक है। फिर उस तो बाद समासी शब्द इन्हां ने अलग तो दे रखे ने, समासी शब्द नूं याद रखने का की तरीका है, कि इन्हां च हाइफन लग्या हुंदा है, इन समासी का अर्थ ही जोड़ना है, जिहड़े दो शब्दों नूं जोड़दे ने, जिवें अमीर अते गरीब, इहनूं उहनां ने अमीर गरीब, दिन रात, हड बीती, सूरज नूं ग्रहण, सूरज ग्रहण, है ना। बाकी अगे अपने कारकशाह अपना नैक्सट टॉपिक है, ये मैं तुहानूं कहा आप नैक्सट वीडियो दे विच डिस्कस करांगे, जिन्हें भी अपने नाम पड़नाव आ गए, व्याकरण दे पार्ट आ गए, सारे ये आप नैक्सट वीडियो डिस्कस करांगे। तो ये नाल नाल ही आप जिहड़े गुरु ने गे वह भी स्टार्ट कर लाँगे कल जां परसों तो ही। बाकी जेकर तुहानूं कंटेंट वधिया लग्या होवे तां कमेंट सैक्शन दे विच तुसीं दस सकदे हो, जे किसी नूं कोई डाउट है तां पुछ सकदे होंगे। बाकी जुड़े रहो साडे चैनल दे नाल, धन्नवाद।